सो गाइज़, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी फेसबुक की जो फ्रेंड लिस्ट पहले आ रही थी वो यहाँ से अब गायब हो चुकी है, हाइड हो चुकी है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आपके सामने एक रेड बटन है। सो गाइज, आज की इस वाली वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम लोग अपनी जो फेसबुक की फ्रेंड लिस्ट होती है उसे प्राइवेट कैसे कर सकते हैं, जिससे कि किसी और को हमारी जो फेसबुक की फ्रेंड लिस्ट हो वो नहीं दिख पाए। जैसे इस वाली प्रोफाइल में सबको दिख जाएगा कि कौन कौन फ्रेंड है, बट एग्जाम्पल के लिए मैं आपको कोई और दिखाऊँ प्रोफाइल, तो इस वाली प्रोफाइल में अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हाइड है, तो आपको यही बताऊंगा मैं कि आप हाइड कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो एंड तक देखना। मूर्ख प्राणी में से एक हो जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पे विमल थूको या रजनीकंदा, मुझे नहीं पता। सो गाइज, अपनी फेसबुक की जो फ्रेंड लिस्ट है उसे प्राइवेट करने के लिए या हाइड करने के लिए हमें सबसे पहले तो अपनी जो फेसबुक ऐप है उसे ओपन कर लेना है। अपनी फेसबुक ऐप पे चले जाने के बाद, जैसे अभी मैं आपको नॉर्मल अपनी प्रोफाइल पे ले जाऊं, तो मैं सिंपली अपनी प्रोफाइल पे ले जाऊंगा और आप देख सकते हैं दिखा रहे फ्रेंड 62। अब अगर ये मेरा नॉर्मली पब्लिक पे होगा तो जो भी कोई भी होगा उसे भी मेरे सारे 62 के 62 दिखेंगे मेरे फ्रेंड्स कौन है। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं किसी को ना दिखे, तो आपको सिंपली बैक आके 3.3 लाइन पे जाना है, फिर सेटिंग एंड प्राइवेसी वाले ऑप्शन पे जाना है, फिर वहाँ पे आपको सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे तो कुछ ऑप्शन आपके सामने और आ जाएंगे, जैसे अकाउंट प्रेफरेंसेस। वहीं नीचे एक ऑप्शन होगा ऑडियंस एंड विजिबिलिटी का, तो आप लोगों को सिंपली जो ऑडियंस एंड विजिबिलिटी है उसमें एक ऑप्शन दिखेगा हाउ पीपल फाइंड एंड कॉन्टैक्ट यू, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, तो आपको इस पे चले जाना है। तो सिंपली मैं इस पे क्लिक कर लेता हूँ यहाँ पे। जैसे मैं इस पे क्लिक कर लेता हूँ तो हमें एक सेकंड ऑप्शन मिलता है हु कैन सी योर फ्रेंड लिस्ट, तो आप लोगों को इस वाले सेकंड ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप सेकंड ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने और ऑप्शंस आ जाएंगे, जहां पहला होगा पब्लिक, दूसरा होगा फ्रेंड, तीसरा होगा फ्रेंड एक्सेप्ट। तो पहले पब्लिक में आप करेंगे तो कोई भी आपकी जो फ्रेंड लिस्ट है उसे देख पाएगा, हर कोई देख सकता है। जब आप अपनी जो फ्रेंड वाले पे जाओगे तो फ्रेंड्स आपके जो होंगे वो देख पाएंगे, लेकिन फ्रेंड्स एक्सेप्ट पे जाके आप कुछ चूज कर सकते हैं कि किसको दिखाना है किसको नहीं। बाकी सी मोर पे आप क्लिक करेंगे तो वहां आपके सामने दो और ऑप्शन आ जाएंगे, और अगर आप लोगों को हाइड करनी है तो आप लोगों को सिंपली जो लास्ट में ओनली मी वाला ऑप्शन होगा उसे टिक कर देना है। जैसे ही आप उसे टिक कर देंगे तो उसके बाद से जो भी आपकी कोई प्रोफाइल पे आएगा और फ्रेंड्स वाले सेक्शन में जाएगा तो उसे खाली म्यूचुअल फ्रेंड्स दिखाई देंगे, बाकी जितने भी फ्रेंड्स होंगे वो हाइड हो जाएंगे और वहां पे सिंपली लिखा आएगा कि फ्रेंड लिस्ट इज प्राइवेट, और उसके बाद कोई भी आपकी जो फ्रेंड लिस्ट है वो नहीं देख पाएगा, जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में एक अकाउंट पर दिखाया था। सो गाइस, इस तरीके से आप बहुत ही इजीली अपनी जो फेसबुक की जो फ्रेंड लिस्ट होती है उसे आप प्राइवेट कर सकते हैं, या तो हम कह सकते हैं उसे हाइड कर सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताना, और पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो प्लीज सर प्लीज सर आई वांट टू रीच 1 मिनट।